एक बार की बात ब्राह्मणी बोली है, क्यों रे तारा ये बताबो कहाँ है तेरा लाल। अरे उससे कहो आज मैं एकादशी का व्रत हूँ, उससे कहो बाग के लिए चला जाए और थोड़े से फूल लेकर के आए, पूजा का समय हो रहा है। रानी तारा ने बेटा को बुलाया, छवरिया ली है, छवरिया हाथ में दी और बोली है बेटा कहा है कि लाला मेरे बागनी सही कहा है महारानी ने बेटा बाग के लिए चले जाओ और ऐसा करो कहीं बेटा रास्ते में रुक मत जाना, क्यों अगर कहीं रास्ते में रुक गए तो देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी जाओ और फूल तोड़ करके बेटा जल्दी लौट करके आना, पूजा का समय होने वाला है। रानी तारा की बात सुनी बेटा रोहिदास ने, तो बेटा ने देरी नहीं की है, मैया की बात मान करके और अपने हाथ में छबरिया को लिया है। छबरिया को लेकर के बेटा रोहिदास फूल तोड़ने के लिए चले, लेकिन रोहिदास को नहीं मालूम था कि मेरा अंत समय आने वाला है। वहां से रोहिदास छबरिया अपने हाथ में लेकर के और बाग में फूल तोड़ने के लिए चले चले। जैसे ही बेटा रोहिदास बाग में फूल तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, बेटा रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है, फूलों को तोड़ करके छबरिया में रखता जाता है। तो क्या हुआ, विश्वामित्र ने क्या किया है, फिर भी चैन नहीं पड़ा है, अपना नाग का भेष धारण किया है और एक फूल में छुप करके विश्वामित्र नाग बनकर के बैठ जाते हैं। बेटा रोहिदास रोस रोस में हाथ डालते जाते हैं, फूलों को तोड़ करके छबरिया में रखते जाते हैं। क्या देखा कि बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है, खिले हुए फूल की तरफ नजर पहुंची। रोहिदास ने जैसे फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कपटी विश्वामित्र ने बेटा को नाग बनकर के उंगली में डस लिया है। जैसे ही उंगली में डसा
तो रोहिदास के हाथों से छवरिया गिर पड़ी है और मैया मैया कहकर के लाल जमीन पे गिर पड़ा है। जैसे ही जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र ने क्या किया है, तुरंत काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगाई है और वो आवाज लगाई का है। काशी को लो वो मेरी बात सुनो और रानी तारा के कानों में पड़ी हुआ क्या भोजन बना रही थी भैया। काशी के लोगों तेरी बात सुना लगाई है काशी नगरिया में। अरे काशी के लोगों को किसी माँ का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। अगर किसी माँ का लाल हो तो वो जाकर के देख ले वो बगिया में पड़ा है। मैया के कानों में जब आवाज पहुंची तो तारा सोचने लगे मेरा ही लाल बाग में फूल लेने के लिए गया है। और उसी समय भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ दिया और एकदम से ब्राह्मणी के पास पहुंची। बोली बेन, मेरा लाल बाग में गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। बेन, अगर तेरा आदेश हो चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली हाँ तेरा ही लाल है और क्या, किसी के पास में बेटा थोड़ी है, क्या मालूम किसी और का हो। ऐसा कर, पहले भोजन बना उसके बाद जाना। मैया ने भोजन को बना दिया, कहा बहन अब चली जाऊं। जब आप दिया बर्तन साफ कर दिए, बर्तन साफ कर दिए, झाड़ू लगा दिया। बोली बहन अब चली जाऊं। जब आप दिया सुन जा तो रही है लेकिन देर नहीं हो जाए, जल्दी लौट के आना। क्यों? कि मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, ज्यादा देर नहीं हो जाए, लौट करके आना जल्दी। रानी तारा बोली बेन मैं बहुत ही जल्दी लौट के आऊंगी। और जैसे ही मेरे प्रिय भक्तों रानी तारा घर से चली है बाग की तरफ, बाग में पहुंची है तो क्या देखा है, रोहिदास जमीन पे पड़ा है, मुंह से जाग निकल रहा है, मैया मैया चिल्ला रहा है। मैया ने जैसे ही बेटा को जमीन पे पड़े हुआ देखा तो एकदम से रोहिदास को गोद में रख लिया और मुंह पे मुंह रख करके बुरी तरीका से बिलक बिलक करके रोई। बोली लाल क्या हुआ? अरे तू तो फूल तोड़ने के लिए आया था लेकिन तू पड़ा है। रोहिदास एक बार बोल क्या हुआ तुझे? रोहिदास रो करके बोले माँ रो क्यों रही है, रोना? अरे रोने से मैया कुछ नहीं होगा, जो इस संसार में आया है उससे एक ना एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा मैया, इसलिए मैं बच नहीं सकता हूँ माँ। मैं मर जाऊं तो मेरे पिता को मेरी खबर देना, लेकिन मेरे पिता रोए तो उन्हें धैर्य बंधा देना मैया। और बेटा रो करके बोले माँ क्यों रोती है? बोले है तू क्यों रोती है मैया,
बेटा रोहतास ने कहा है।